कारों का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग ओल्ड एज के जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह के होते हैं और इस मेडिसिन को कैसे लिया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर जस्ट एक वीडियो है बेराटाकार के बारे में। बेराटाकार बेहतरीन मेडिसिन है छोटे बच्चों के लिए भी और ओल्ड एज के लिए भी। यानी यूं समझ लीजिए कि जब बॉडी में चेंज ज्यादा हो रहे हैं। अब बॉडी में चेंज ज्यादा छोटे बच्चों में होते हैं या फिर ओल्ड एज में। छोटे बच्चों में जो चेंज होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव चेंज होते हैं और जो ओल्ड एज में जो चेंज होते हैं वो डिजनरेटिव चेंज होते हैं। तो यूं समझ लीजिए जिनकी एज 60 प्लस 70 के आसपास हो चुकी है उनके शरीर में डिजनरेशन वाले प्रोसेस थोड़े तेजी से चलने लगते हैं तुलना में कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में। बेसिकली होता क्या है कि देखिए, शरीर में कुछ सेल्स हमेशा बनती रहती हैं और उसी के एवज में कुछ सेल्स टूटती रहती हैं। यानी ये प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। करोड़ों सेल एक सेकेंड में टूट रही हैं और वही करोड़ों सेल एक सेकेंड में बन रही है। इस तरह से बॉडी मेंटेन रहती है। छोटे बच्चों में क्या होता है कि बनने की रेट फास्ट होती है और टूटने की रेट स्लो होती है। ये बनने की रेट है, टूटने की रेट है। और जिनकी एज 21 के प्लस हो चुकी है, 21 साल के आसपास है, तो बनने की रेट और टूटने की रेट बराबर होगी। और ओल्ड एज में अगर बात करें तो ओल्ड एज में बनने की रेट कम हो गई है और टूटने की रेट ज्यादा है। यानी ये बनने की रेट है और ये टूटने की रेट है। तो यूं समझ लीजिए कि सेनाइल एज आ गई है, यानी 65 प्लस के आसपास हो गए हैं, तो बॉडी में वीकनेस आने लगती है। कारण उसका क्या है कि जो सेल्स हैं नई उतनी क्वालिटी की नहीं बन पा रही हैं जितनी क्वालिटी की पहले कभी बना करती थी। तो इस तरह से बॉडी में वीकनेस तो प्राइमरी सिम्टम्स है, उसके साथ साथ स्वेलिंग आ जाती है प्रोस्टेट में, टेस्टिस में, या इस तरह से जो ब्रेन की जो सेल्स हैं उसमें धीरे धीरे डिमेंशिया जैसी सिचुएशन आने लगती है, यानी भूलने की बीमारी आने लगती है। तो ओल्ड एज में जल्दी से ठंड लगना कॉमन है, तेज सुनना या कमतर सुनाई पड़ना ये भी कॉमन है। तो इसी तरीके का कुछ इंडिकेटर सिम्टम्स हैं बेराटाकार के जो कि ओल्ड एज में बेहतर तरीके से रिस्पांस करते हैं। तो वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, कोल्ड के लिए सेंसिटिविटी ज्यादा है। जो बच्चा था वो भी बहुत सेंसिटिव था और यहां भी बहुत सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी ज्यादा है कोल्ड के प्रति क्योंकि बॉडी के अंदर हीट कम है, एनर्जी कम है। तो लॉस ऑफ मेमोरी एंड मेंटल वीकनेस, जल्दी से भूल जाना या फिर कुछ चीजों को रिकॉल न कर पाना। और एक कारण क्या है, सेनाइल डिमेंशिया, ये सबको होता है ओल्ड एज में। कुछ लोगों को फास्ट जो इंटेंसिटी में दिखता है, कुछ लोगों को कमतर दिखता है। तो सेनाइल डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर हो जाना, और हाइपरट्रोफाइड प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ गई है। नॉर्मली 20 ग्राम की होती है और अगर उसकी साइज बढ़ती है तो जैसे मान लीजिए कि यूरिनरी ब्लैडर है उसके जस्ट आगे जहां से यूरेथ्रा निकलता है वही भी प्रोस्टेट पाई जाती है। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर है और इसी में से पेशाब बाहर निकलती है, पेशाब वाली ट्यूब जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, यही पे है प्रोस्टेट। ये पेशाब की थैली है। तो अब इसमें अगर सूजन आ गई है, सूजन आएगी तो इसमें प्रेशर डालता है इस तरह से। जब प्रेशर डालता है तो ये सकरा हो जाता है यहाँ पे, और जब सकरा हो जाता है तो थोड़ा सा ही पेशाब भरता है इस ब्लैडर में तो उसको निकालना पड़ता है। सिस्टाइटिस भी हो सकती है, मतलब जो ब्लैडर है उसमें सूजन भी आ सकती है। तो इसमें सूजन आ जाएगी और यहां से पूरी पेशाब निकलेगी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। रात में सोते समय कई बार पेशाब होती है, एक खराब स्थिति हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, और नींद खराब हो जाने से डाइजेशन खराब होने लगता है, और डाइजेशन खराब है तो वीकनेस आने लगती है शरीर में। इस तरह से एक सिम्टम दूसरे सिम्टम्स को जनरेट करते रहते हैं। तो इस तरह से प्रोस्टेट और टेस्टिस दोनों इंडोरेशन, यानी उसमें सूजन आ गई है, और पल्पिटेशन एंड डिस्टेस इन रीजन ऑफ हर्ट, जो हर्ट के आसपास है, धड़कन तेज हो जाती है कोई भी बात इधर उधर की सोचने से या फिर सुनने से। और इसी वजह से पल्पिटेशन में लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, बाएं तरफ सो नहीं पाते, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का पेशेंट बाएं तरफ सोता है तो उसको दिक्कत आती है। फास्फोरस की दिक्कत का कारण क्या है कि उसको
दिक्कत है लंग में, और बेरेटाकार्ब का पेशेंट बाई तरफ नहीं सो पाता लेफ्ट साइड में क्योंकि इसको दिक्कत है हर्ट में। इस तरह से अगर हर्ट में दिक्कत है तो बेरेटाकार्ब, और लंग में दिक्कत है तब फास्फोरस के बारे में सोचें, बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से पल्पिटेशन है लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, और बर्निंग इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग मिट्यूरेशन, जब पेशाब करते हैं तब जो यूरेथ्रा है यानी ये वाली जो नली है इसमें जलन होती है। और हार्डनेस ऑफ हियरिंग, ऊंचा सुनने की आदत हो गई है, ऊंचा बोलने पर तब उनको सुनाई पड़ता है। हार्डनेस ऑफ हियरिंग, ग्लैंड अराउंड ईयर पेनफुल एंड स्वेलन, जो कान है इसके चारों तरफ जो ग्लैंड पाई जाती है कहीं पे ऊपर नीचे इस तरह से सूजन है, और इस सूजन की वजह से उनको सुनाई कम पड़ता है, तेज बोलना पड़ता है तब सुन पाते हैं। और एवरी टाइम पेशेंट मिट्यूरेट हिज पाइल्स प्रोड्यूस, यानी जब भी पेशेंट पेशाब करता है तो पेशाब को निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है। जोर इसलिए लगाना पड़ता है कि यहाँ प्रोस्टेट में सूजन है, तो जोर लगाना पड़ता है ठीक उसी समय जो रेक्टम है यानी जो एनस है थोड़ा सा बाहर आ जाता है, प्रोट्रूशन बोलते हैं उसको। तो इस तरह से पेशाब में जोर लगाने की वजह से प्रोलेप्सस हो रहा है उसको, प्रोलेप्सस ऑफ एनस अगर हो रहा है तब वो इंडिकेटर सिम्टम्स है बेरेटाकार्ब का। तो इस तरह के सिम्टम्स ओल्ड एज में कॉमन देखे जाते हैं, और उसके लिए बेहतरीन तरीके से काम कर देती है बेरेटाकार्ब। तो इस तरह से सेनाइल डिमेंशिया हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे ठंडी जल्दी लगने की टेंडेंसी हो, इस तरह के सिम्टम्स के लिए आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लें बेरेटाकार्ब। बेरेटाकार्ब 6 पावर के लिए या फिर 30 पावर के लिए जो भी अवेलेबल हो उसको लीजिए, और 4 बूंद सुबह देना है जीभ पर खाली पेट, यानी ब्रश करें उसके बाद 4 बूंद जीभ पर गिरा दें। तो इसको 1 महीने तक दीजिए, 1 महीने बाद अगर आपने 6 से स्टार्ट किया है, 6 पोटेंसी पहले दी है तो अगले महीने में 30 दीजिए, और अगर आपने 30 पोटेंसी से स्टार्ट किया है तो अगले महीने में 200 दीजिए। इस तरह से 2 महीने दीजिए, बेहतर रिजल्ट आएगा अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो।